ये गुप्ता जी ने एकदम से रोला मचा दिया है। क्या किया कि नए का फोन लेके एकदम से तोड़ दिया है दोनों, और क्या हो गया कि सब आके हमारे इंस्टाग्राम पे एकदम से बवाल मचा दिए हैं कि बताइए फोन ले कि नहीं। रेडमी नोट 10 प्रो और रेडमी नोट 10 दोनों तोड़ तोड़ दिया है उन्होंने। कुछ उनका कोई ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है, तोड़ दिया एंड सब लोग मुझे पूछ रहे हैं कि बताइए ले कि नहीं। तो उसी के ऊपर सोचा कि चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं। अगर आपके पास 4-5 मिनट हो तो सुन लीजिए कि फोन लेना चाहिए या नहीं, बाकी आपके ऊपर। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। पसंद आ गया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना कि नहीं पसंद आया। लेट्स गेट स्टार्टेड। कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। पहले देखो भैया, हम सीधे बता दें कि ये रेडमी की तरफ से कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है, ठीक है। हम यहाँ आपको बेचने नहीं आए हैं, डिसीजन टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी फोन लेने से पहले मैं यही कहता हूँ कि ऐसे सब वीडियोस के इम्पैक्ट आपके डिसीजन पे नहीं पड़ने चाहिए और ना ही मेरे वीडियो का। आप दिमाग लगा के थोड़ा सा सोचिए उसके बाद ही लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो वीडियोस आती हैं ये सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए और थोड़े से नॉलेज के लिए होते हैं। क्या सारी चीज़ें हैं उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ कि रेडमी ने नोट 10 सीरीज लॉन्च कर दिया। प्राइस के हिसाब से अच्छे थे, प्रो मैक्स वाला मुझे लगा थोड़ा सा ओवर प्राइस है, मतलब ओवर प्राइस नहीं कहूँगा लेकिन उतना वर्थ नहीं उसका। नोट 10 प्रो ज़्यादा बेटर लगा मुझे, उसका भी वीडियो में बना चुका था, और तो बहुत सारे लोग रिव्यू कर रहे थे लेके खरीद खरीद के। चलिए उसमें ये भी हैं गुप्ता जी इन्फॉर्मेशन, बड़े यूट्यूबर हैं। अब इनका क्या है कि ये इंडियन जेरी रिग हैं, वो है ना वो वहाँ पे खोल खाल देते हैं पूरा फोन को, तो ये इंडिया वाले अपने देसी स्टाइल वाले जेरी रिग हैं जो कि वही तोड़ फोड़ के बताते हैं कि कितना प्रेशर एक स्मार्टफोन एब्जॉर्ब कर सकता है। मैं ऑब्जर्व बोलने जा रहा था, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ड्रॉप टेस्ट होता है, बेंड टेस्ट होता है, वाटर टेस्ट होता है, सारे टेस्ट वेस्ट करते हैं और उसके बाद बताते हैं। तो भाई उसी सीरीज में रेडमी नोट 10 सीरीज भी आ गई। अब इसके दो फोन्स थे मेरे ख्याल से उनके पास, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स और रेडमी नोट 10, मतलब एकदम ऊपर वाला एकदम नीचे वाला, बीच वाले को नहीं किया हूँ शायद, या मैंने ना देखा हो। तो उन्होंने क्या किया कि सारे टेस्ट वेस्ट किए, सब अच्छा चल रहा था, अचानक में वो बेंड टेस्ट का टाइम आया तो पकड़ा और जोर से दबाया और टूट गया फोन, दोनों के दोनों फोन चरचरा के टूट गए। चलिए अब टूट क्या गए, सब लोग आके पूछने लगे फोन लेने लायक है कि नहीं। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, सबसे पहली बात है कि वो वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं, काफी मेहनत करते हैं, काफी खर्च करते हैं, अच्छी चीज आप जाके देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है। लेकिन आपको एक चीज बताऊं कि आप किसी भी स्मार्टफोन को लेते हैं ना, उनके उसमें तो मोस्ट ऑफ द फोन्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी का डिस्प्ले टूट जाता है गिराने पे या एक्स वाई जेड करने पे कुछ ना कुछ हो जाता है। रेडमी नोट 10 के साथ भी वही हो गया। अब होता क्या है कि जितना प्रेशर वो उस वीडियो में डालते हैं किसी स्मार्टफोन के ऊपर, उतना रियल लाइफ में प्रेशर किसी भी स्मार्टफोन के ऊपर पड़ता नहीं है, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि इतना, अब कभी आपने अपना स्मार्टफोन इतना तेज से मोड़ा है, किसका दिमाग खराब होगा कि यार 20,000 का स्मार्टफोन लेगा और इतना जोर से जबरदस्ती प्रेशर डाल के, कोई नहीं करता, ठीक है। तो रियल लाइफ से वो वीडियो काफी दूर है, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा है भाई, खर्च करते हैं, देखिए मजे लीजिए, कोई बात नहीं है, अच्छी चीज है। एंड कुछ चीजें पता भी चल जाती हैं कि क्या नहीं करना है उसमें किसी एक स्मार्टफोन के साथ, ये भी हमको पता चल जाता है उनके वीडियो से, तो वो ठीक है वहां तक देखने के लिए, अच्छी बात है। लेकिन रियल लाइफ में जो हमारे यूजेस होते हैं स्मार्टफोन के, उस पर उतना प्रेशर कभी नहीं पड़ता। अरे टेक्निकल गुरु जी ने रेडमी नोट 7 प्रो का देख किया था, तोड़ दिया था, याद है ना। उसके बाद कितने केसेस आए रेडमी नोट 7 प्रो के टूटने के, एक भी नहीं आया। चलिए उनकी तो दुश्मनी थी, जो भी उनका इशू था, चलिए मुझे बोलना नहीं है रेडमी के साथ, इनका तो फिर कंटेंट ही वही है, गुप्ता जी इन्फॉर्मेशन का वही उनका कंटेंट का ही पार्ट है, तो करते रहते हैं। तो टूट जाना, चलो बहुत सारे फोन टूटे हैं बिके हैं ऐसा नहीं है, अगर वो टूट रहा है तो हाँ एज कम्पेयर टू उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा एज कम्पेयर टू अदर फोन्स, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोगे तो आपके हाथ में ऐसे पकड़ा और टूट ही जाएगा वो गिर के। आइसक्रीम नहीं है भाई, मोबाइल फोन है वो, तो बाकी डिसीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से मानोगे तो मैं यही कहूंगा कि एंजॉय करो ऐसे वीडियोस को, अच्छी चीज है, देखो कैसे कहां तक सर्वाइव कर पाता है कोई फोन, बहुत अच्छे होते हैं, मुझे भी मजा आता है देखने में उनका वीडियो। लेकिन मैं कहूंगा कि अपने बाइंग डिसीजन पे इसका इम्पैक्ट लेना मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली जैसे मैंने कहा कि रियल लाइफ में इतना प्रेशर किसी भी स्मार्टफोन पे कोई नहीं डालता। अब कितना भी प्रेशर डालो, इतना प्रेशर तो स्मार्टफोन पे नहीं पड़ता कि वो टूट ही जाए। एंड अगर वो बैंड वैंड होता भी है
तो आप भाई इमेज डालो, ट्विटर है ही आपके पास, बाकी सारी चीजें वहां पे डाल के पोस्ट कर ही सकते हो कि भाई मेरे साथ हुआ है ऐसा। उसके बाद देखेंगे, एक सेंसेशन फैलाने के लिए सारी चीजों करने के लिए ठीक है ऐसा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसी चीजें नहीं होती। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा लगा वीडियो, जरूर बताइए पसंद है लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता दीजिए। सुबह क्वेश्चन आंसर वाला आया, दिखाई कि नहीं आपने 20 क्वेश्चन पिक किए हैं एंड आज तो काफी अच्छे क्वेश्चन लेने की कोशिश की है मैंने, वो फोन ओन वाले मैंने थोड़े से साइड रखे थे, इतने में कौन सा फोन उतने में कौन सा फोन, एंड थोड़े नॉलेज वाले क्वेश्चन लिए थे। जाके जरूर देखिए कैसा लगा बताइए, एंड ये वीडियो कैसा लगा वो बता दीजिए, और इंस्टाग्राम पे आ जाइए, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है कुछ भी पूछना आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं आपको भी मिल जाएंगे, और साइड में देखोगे तो बैक टाइम दी जाएगा गोल सा, उसके ऊपर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर अच्छे लगते हैं कंटेंट। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया करने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों चलिए।